नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोर्ट मैरिज के प्रोसीजर के संबंध में, जिसमें एक कपल है जिनकी कोर्ट मैरिज हमारे द्वारा कराई गई है। दोनों हमारे सामने बैठे हैं। साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा यूट्यूब पर यदि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो केवल और केवल उन्हीं कपल्स का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है जो अपनी इच्छा से अपना वीडियो यूट्यूब पर डालना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक कपल हमारे सामने हैं। मैं सबसे पहले परिचय कराता हूं इनका। आप लीजिए माइक को, बताइए आपका क्या नाम है, कहां से आए हैं? हरमन है जी नाम, जिला करनाल असम से आए हैं, हरियाणा। हरियाणा से? हाँ जी। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीता है, मैं असम से आई हूँ, जिला करनाल है और हरियाणा में। ओके, जब आप हमारे पास पहुंचे तो और भी बहुत सारी शादियां हो रही थी। हाँ जी, हो रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं फील हुआ कि प्रोसेस हमारा डिले हो रहा है या यहाँ पर कोई परेशानी हुई? नहीं, सब कुछ प्रॉपर टाइम पे हुआ है। 3 घंटे आपने बोले थे, 3 घंटे में ही हमारी मैरिज हो गई। मैरिज हो गई है। हाँ, आपके दोनों सर्टिफिकेट आपके सामने। हाँ जी। साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे हमने जब भी कोई कपल हमारे पास पहुंचते हैं तो हम लड़की से खास तौर पर ये पूछते हैं कि आपकी मर्जी है, कहीं कोई आपको डाइवर्ट करके तो नहीं लाया है या बहला फुसला के तो नहीं लाया, तो ऐसा भी कुछ मैंने आपसे पूछा था और आपने क्या जवाब दिया? हाँ जी, आपने पूछा था कि ये आपको यहाँ अपनी मर्जी से आए हो आप? मैं, हाँ जी, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्जी से ही शादी की है। ठीक है। हाँ जी। कोई किसी तरह का प्रेशर, कोई दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं है किसी। हमने जाना था आपसे? हाँ जी, आपने जाना था। चलिए, दूसरी बात साथ साथ मैं आपसे ये करना चाहूँगा हरमन, आप दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं? लगभग 5 साल हो गए जी हमारे को। ठीक है, 5 साल हो गए, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया। हाँ जी, 5 साल हो गए। खूब अच्छे से आप समझते हैं? हाँ जी, समझते हैं। अच्छा बेटा, आप बताओ गीता, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने दिए थे हमें? आधार कार्ड, 10th की DMC और एक डॉक्यूमेंट और पैन कार्ड। पैन कार्ड, ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट आपने? हाँ जी, 3 डॉक्यूमेंट। इसी तरह से आपके भी KYC का डॉक्यूमेंट हमारे द्वारा ले गए। देखिए, इसमें जो प्रोसीजर रहता है वो, दोनों ही आप हिंदू हैं। हाँ जी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की जो गाइडलाइन है उसके थ्रू आपकी मैरिज हुई है। आप दोनों लीगली पति और पत्नी के रूप में मेरे सामने बैठे हैं। हाँ जी। तो पहले हमने जो है आपकी आर्य समाज मैरिज करवाई थी। हाँ जी। आर्य समाज का रिकॉर्ड बन, उसके अलावा जो आपको सर्टिफिकेट जारी किया गया है, आर्य समाज का ये सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट की यहाँ कॉपी रिकॉर्ड के लिए लगाई गई है। हाँ जी। इससे आगे यदि चलते हैं हम, तो ये आपके डॉक्यूमेंट हैं जो आपकी एज, एड्रेस और आईडी को क्लियर करते हैं। ये आप दोनों के डॉक्यूमेंट हैं। साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है यहाँ पर कि आपने रिटर्न में हमें एक एप्लीकेशन दी है। ये रिटर्न में आपकी एप्लीकेशन है। हाँ जी। इसमें आपने लिखा है, अपना नाम लिखा है, अपने पिताजी का नाम लिखा है, निवास स्थान लिखा है अपना, और साथ साथ आपने इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है। हाँ जी। और मैं पूर्ण रूप से बालिग हूँ और अपना अच्छा बुरा भला भांति समझती हूँ। मैं आज दिनांक 28/10/2022 को हरमन पुत्र, इनके पिताजी का नाम लिखा, इनका निवास लिखा, के साथ आर्य समाज मंदिर गाजियाबाद में वैदिक हिंदू रीति रिवाज से विवाह करने के लिए अपनी पूर्ण इच्छा सहमति के साथ उपस्थित हुई हूँ, और मैं किसी भी प्रकार के नशे आदि की स्थिति में नहीं हूँ और मैं पूर्ण होश आवास में हूँ। मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जोर या दबाव नहीं है दिया गया है। ये इस तरह की आपने ये लैंग्वेज हमें लिखी है, तो ये आपकी अपनी हैंड राइटिंग में है? हाँ जी, मेरी अपनी हैंड राइटिंग में है। ये आपने ही लिख के दिया? हाँ जी, मैंने ही लिखा। ये साइन आपके हैं? हाँ जी, मेरे साइन। हाँ जी। देखिए, यदि कोई बात होती है, कल को किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन उठता है, तो जिस तरह से ये आपने एप्लीकेशन एक रिटर्न में बयान दिए हुए हैं, ऐसे ही हरमन ने भी दिए हुए हैं। सेम दोनों के ये इनके बयान लगे हुए हैं यहाँ पर, तो दोनों पक्ष। इसका फायदा क्या है आपको? कल को देखिए, आप दोनों की मर्जी है अभी, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं, परमात्मा ना करें, पर कोई यदि आप दोनों के बीच कोई भी एक साइड से किसी तरह का यदि मान लीजिए वो कोई कहने लगे जी मैं नहीं रहना चाहता साथ, या मैंने ये शादी नहीं की थी, तो ये जो प्रूफ हैं ये सफिशियंट होंगे ये प्रूव करने के लिए कि इन दोनों की शादी हुई है, दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, दोनों ही पार्टियों को फ़ायदा होता है। इसका ये नहीं कि आपको एक पार्टी को इसका फ़ायदा है। उसके अलावा जो है रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, जो गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट जारी किया गया। तो आप बायोमेट्रिक बयान के लिए वहाँ पर गए थे? हाँ जी, गए। तो वहाँ पर जैसे आपका अंगूठे वगैरह लिए गए थे, बताइए मुझे। हाँ जी, लिए गए थे। ठीक है। एक सेम इस तरह जैसे आर्य समाज ने ये रिकॉर्ड के लिए फाइल तैयार की है, ऐसी एक सेम फाइल लगभग जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने आपकी तरफ से बयान लिए हैं, बयानों की रजिस्टर्ड कॉपी वहाँ जमा की गई है, एफिडेविट जो आपने दिए हैं वो भी जमा किए गए हैं, आपके KYC के डॉक्यूमेंट हैं वो भी वहाँ पर रिकॉर्ड में उन्होंने रखे हैं, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट जारी किया है। हाँ जी, उसके इस बाद तरह से आपको ये 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक आर्य समाज मैरिज का, एक गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज से, यानी लीगली आप गवर्नमेंट की तरफ से पति पत्नी के रूप में मेरे सामने
बैठे। हाँ जी, अब हम यहाँ बात करना चाहेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होता है कि बहुत सारे कपल, कुछ कपल इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो सोचते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो हमें फीस कुछ बताई जाए और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाए जाए। हाँ जी, तो ऐसी कोई स्थिति आपके सामने तो नहीं? ऐसी कोई स्थिति नहीं आई हमारे सामने। जितना हमें बोला गया था उतनी ही फीस लगी है, सब कुछ वैसे का वैसे ही था। ठीक है, और जो टाइम हमने आपको कमिटमेंट दिया था भाई 3 घंटे, 3 से 4 घंटे टाइम देते हैं जनरली। हाँ जी, तो 3 घंटे में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया? हाँ जी, 3 घंटे में हमारा पूरा प्रोसेसर कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और ये आपकी लव मैरिज है? हाँ जी। परिवार इस मैरिज के खिलाफ है? हाँ जी। तो हम परमात्मा से कृपा मतलब ये प्रार्थना करेंगे कि भाई आपका जो परिवार है दोनों का वो इसको स्वीकार कर लें और आप दोनों की जो मैरिज लाइफ है बहुत अच्छे से बीते। एक बात और लास्ट में पूछना चाहूँगा, यदि कोई कपल जो आपकी तरह हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, जीवन में साथ रहना चाहते हैं, वो यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पास आ सकते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोसीजर होता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे फुल टाइम पे होता है, जितना इन्होंने बोला है वैसे ही होता है। साथ किसी तरह का फ्रॉड या बताया नहीं जाता हो? कुछ भी फ्रॉड नहीं है, बिल्कुल जो आपने हमें बताया था, आपकी वीडियो देखी थी हमने, वीडियो देख कर ही हम यहाँ तक आए हैं। और जैसा आपने देखा था वैसा ही? हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस भी लास्ट में आप एक बार बता दीजिए मुझे कि ये जो हमने वीडियो बनाया है इसको आप YouTube पर पब्लिश कराना चाहते हैं, आपकी मर्जी है? हाँ जी, हमारी मर्जी है। आप भी बताएं अरमन। हाँ जी, हमारी मर्जी है, करो। और दोनों खुश हो आप शादी कराने के बाद? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।